हेलो गाइस, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ कॉलम्स। आपने कॉलम्स के वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम की लेंथ हमारे पास 1.5 है, इसकी ब्रेथ हमारे पास 1 मीटर की है। और इसी तरीके से सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास इधर सर्कुलर कॉलम है, स्क्वायर फुट के अंदर कॉलम है हमारे पास, उसकी लेंथ 1 मीटर और इधर से उसकी ब्रेथ हमारे पास 1 मीटर है। स्क्वायर कॉलम हमारे पास लेंथ और ब्रेथ उसकी बराबर होती है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर सर्कुलर कॉलम है, उसका डाया दिया गया। तो इसकी कैलकुलेशन हमने कॉलम्स की कैसे करनी है, रेक्टेंगुलर की लेंथ ब्रेथ के हिसाब से ये चीज़ें आपको ड्राइंग के अंदर दी गई होती हैं। इसी तरीके से स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर आपकी लेंथ वगैरह और ब्रेथ में फ़र्क होता है। स्क्वायर कॉलम का आपका लेंथ और ब्रेथ सेम टू सेम होती है, और सर्कुलर कॉलम के अंदर डाया दिया गया होता है। इसके बाद ऊपर आपके पास इस तरह का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर इसकी हाइट मेंशन की गई होती है ड्राइंग के अंदर। सपोज़ इधर हमारे पास 4 मीटर की हाइट है, इधर लेंथ ब्रेथ और हाइट ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से स्क्वायर कॉलम की हाइट भी हमारे पास 4 मीटर है, और इसी तरीके से सर्कुलर कॉलम इसकी हाइट भी हमारे पास इधर 4 मीटर है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसके हिसाब से हमने तीनों की कॉलम्स की कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए जो जो से फार्मूले यूज़ होंगे इधर अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो हमारे पास उसका वॉल्यूम कैलकुलेशन है वो लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट है। तो लेंथ आपने इधर से ले लेनी है, इसी तरीके से ब्रेथ आपके पास आ जाएगी, और ऊपर से आपने इसकी हाइट लेके आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा मेथड आएगा आपके पास, रेक्टेंगुलर कॉलम जो भी होएगा उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ और मल्टीप्लाइड बाई आपने हाइट ले लेनी है। तो ये आपके पास हमारे पास 6 क्यूबिक मीटर हमारे पास उसकी कंक्रीट आ जाएगी इस कॉलम्स की। इसी तरीके से स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम को भी सेम टू सेम यही फार्मूला है, लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से वॉल्यूम इज इक्वल टू आपने इसकी लेंथ ले लेनी है 1 मीटर, इसकी ब्रेथ ले लेनी है 1 मीटर, और इसके ऊपर हाइट ले लेनी है 4 मीटर की, और इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आने के बाद आपने 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास 4 क्यूबिक मीटर ये आपकी कंक्रीट आ जाएगी इस स्क्वायर कॉलम के अंदर। आगे आप देख रहे हैं हमारे पास सर्कुलर कॉलम है, इसकी शेप है, नीचे डाया दिया गया है 0.8 का। तो ये इधर इसके डाय के साथ रेडियस की कैलकुलेशन होगी, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एच करेंगे। पाई की वैल्यू 3.145 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आपने लेना है, ऊपर आपको पर डाया दिया गया, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको पर रेडियस आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देंगे। कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं तो पाई की वैल्यू आपने जैसे शिफ्ट पाई को आप प्रेस करेंगे तो पाई का साइन आ जाएगा, और इज इक्वल टू करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.145 समथिंग। इसी तरीके से हमने रेडियस लिया अपना, तो ये हमारे पास इधर कॉलम के अंदर डाया दिया गया था, इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर है ये, आप देख सकते हैं। तो 0.4 हमारे पास रेडियस आया था, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कर देंगे। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप करना चाहते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 उसको, या 0.4 और ऊपर आपके पास इधर स्क्वायर का निशान होगा, आप इसको प्रेस करके इससे इज इक्वल टू करेंगे तो आपके सामने उसका स्क्वायर आ जाएगा 0.16 का। उसके बाद आगे उसकी हाइट है, तो अभी हम इस फार्मूले के हिसाब से पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.4 स्क्वायर का ले लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे इधर से, तो ये हमारे पास 2.010 इसका कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा सर्कुलर शेप के अंदर। तो ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर की पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।